16 मई 2019 को जिला परिषद अमरावती के बाहर जिला परिषद के आरोग्य कर्मचारियों द्वारा एक दिवसीय आंदोलन किया गया। जिला आरोग्य कर्मचारियों ने 10 जनवरी से 3 अप्रैल 2019 तक जिला आरोग्य अधिकारी और प्रशासन को कई बार पत्र दिया, लेकिन फिर भी प्रशासन और अधिकारियों ने कुछ नहीं किया। यहां तक कि हर माह का वेतन दूसरे महीने 20 तथा 25 को ही दिया जाता है। आज भी मार्च 2019 माह का वेतन अभी तक कर्मचारियों को नहीं दिया गया है, जिसके लिए संगठन के अध्यक्ष देवेंद्र शिंदे के साथ कई कर्मचारियों ने जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनीषा खत्री को निवेदन दिया और प्रशासन व अधिकारियों द्वारा की गई गड़बड़ी जानकारी दी। ऑक्टोबर 18 पासून आमचे आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे वेतन हे सर्वच कर्मचाऱ्यांचे उशिरा होत आहे। त्यातले त्यात 50-41 नंबरचा जो हेड आहे, ज्याच्यामध्ये सर्वात जास्त 1000 वर आरोग्य कर्मचारी आहे, त्याच्यात आरोग्य कर्मचारी, आरोग्यसेवक, आरोग्य सहाय्यक, औषधी निर्माण अधिकारी, साधे परिचरसुद्धा आहेत, पण त्यांचा हेड नेहमी लेट होत आहे। यावेळेस तर कहरच झाला, माहे मार्च, माहे एप्रिलचे वेतनसुद्धा अद्यापपर्यंत झालेले नाही। माहे 2 महिन्याचे वेतन झाले नाही म्हणून संघटनेने रिसर जिल्हा आरोग्य अधिकारी वसीव मॅडमना पत्र दिले होते। त्या पत्राची काही दखल घेतली गेलेली नव्हती। नंतर दिनांक 13 रोजी आम्ही सीओ मॅडम यांना भेटलो असता संघटनेचे सगळे पदाधिकारी आत्मधी जाऊन भेटलो। सीओ मॅडमनी आरोग्य प्रशासन, डीएचओ कार्यालयाचा आरोग्य प्रशासन यांना धारेवर धरले, जिस पर मनीषा खत्री ने कर्मचारियों का वेतन हर महीने की 13 तारीख तक अदा करने का निर्देश भी दिया, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक कर्मचारियों को कोई वेतन नहीं मिल पाया। जिला परिषद के सैकड़ों कर्मचारी दिन रात मेहनत कर आरोग्य सेवाएं जनता को देते हैं, लेकिन जब उन्हें वेतन नहीं दिया जाएगा तो उनका और उनके परिवार का क्या होगा? गाड़ी का पेट्रोल, बच्चों की शिक्षा व अन्य सभी चीज़ों का गुजारा यह कहां से करेंगे? जिला परिषद के जिला आरोग्य अधिकारी और प्रशासन की मिलीभगत के कारण अभी तक कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पाया है। यहां तक मुख्य कार्यकारी अधिकारी का आदेश का भी पालन अब तक जिला आरोग्य अधिकारी के प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा नहीं किया गया। आखिर ऐसा क्यों नहीं हो रहा? अगर इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो इससे भी तीव्र आंदोलन करने की चेतावनी प्रशासन को दी गई है। व एका दिवसात वेतन अदा करा असे सांगितल्यानंतर सुद्धा जिल्हा आरोग्य अधिकारी व त्यांच्या प्रशासन काही दखल घेतलेली नाही। उलट आम्ही त्यांना पत्र दिलेले होते की आम्ही आज दिनांक 16 रोजी काम बंद आंदोलन करू, पण जिल्हा आरोग्य अधिकारी व त्यांच्या प्रशासनाला एवढीसुद्धा जाग आली नाही की संघटना किंवा कर्मचाऱ्याला बोलवावं, पत्र द्याव, काही चर्चा करावं। एवढं निंद्र झोपेत हे जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्याचं प्रशासन आहे, आणि हे नेहमी दर महिन्यात होत असल्यामुळे नाईलाजास्तव आम्हाला मैदानात रस्त्यावर उतरावं लागले।